सो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका इसके और आज हम बात करने वाले हैं बार का वेटिंग लिस्ट के बारे में कि अभी जो रिसेंट में कैट वन या फिर बार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर इसरो या किसी भी का एग्ज़ाम का अगर आता है जिसमें वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन होता है, एक मेन लिस्ट और एक वेटिंग लिस्ट, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका वेटिंग लिस्ट आया है तो कैसे होगा, कैसे होता है, मतलब वो बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, आप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया हो जाएगा। क्योंकि तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ था बाद में तो मेरा वेटिंग लिस्ट था, दो वेटिंग लिस्ट था, तो मेरा सिलेक्शन वो वापस बुलाए थे। और मैं अब अपने मेरे अपने टाइम में मैं बताऊंगा कि कितने लोगों को वापस बुलाए थे और ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं, हमने लिखा है बार का वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करना है। इसलिए बार वेटिंग हमने एक सपोज किया था कि बार में चार पोस्ट हैं, उसमें एक OBC है, एक जनरल है और एक SST और एक EWS है। मेन लिस्ट में आएगा, चार लोग का सिलेक्शन होता है, ABCD, चार लोग का सिलेक्शन होगा। वेट लिस्ट में आया स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल स्मॉल डी, चार लोग का हो गया। ओके, क्योंकि एक सीट है तो एक ही वेट लिस्ट है, जितने सीट रहेंगे उतना वेट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। ये वेट लिस्ट का वैलिडिटी जो होता है ना वो 6 महीने या समटाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल होता है। तो 1 साल बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी आप मान सकते हैं कि 6 महीने के अंतराल ये बुला सकते हैं, ठीक है। ऐसे वेट लिस्ट का प्रोविजन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं लेकिन वो पब्लिश नहीं करते कि नेम किसका है, किस नंबर पे, लेकिन इसमें पब्लिश कर दिया। अगर इसी में मान लो कि OBC में दो रहते, तो OBC में अगर दो रहते ठीक है, हाँ, तो मान लो इसमें दो रहते तो क्या हो जाता, जो दूसरा का आदमी का जो बी है वो B- रहेगा, B" ये नंबर वाइज रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर बी अगर छोड़ कर जाएगा तब ये बी को बुलाएगा, अगर इसमें दो रहता तो दूसरे का, अगर दोनों छोड़ के जाएगा तो दोनों को लोग को बुलाया जाएगा। एक बार ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर एक लड़का OBC में है, अगर OBC से छोड़ जाएगा तो OBC वाले को ही बुलाया जाएगा, दूसरे लोग का नहीं। अगर EWS वाला छोड़ के जाता है तो EWS वाले ही आपको बुलाया जाएगा। तो अब प्रोसीजर क्या है कि क्या किन को लोग को बुलाते हैं, एक तो यह हुआ कि जिस दिन लोग ज्वाइनिंग होना था उस दिन नहीं पहुँच पाए, नहीं रिपोर्ट कर पाए, तो क्या दिक्कत है, नहीं रिपोर्ट कर पाए तो वो लोग को माना जाता है कि वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तब ये दोबारा आपको हो सकता है 15 दिन में इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि हम लोग थे, मुझे 1 महीना बाद आया था, ठीक है, जनरली 15 दिसंबर के था, तो मेरे 1 महीना बाद वो आया था, कोई हो सकता लड़का नहीं आया था, मुझे 1 मंथ बाद आया था। हम बात ये है कि जैसे मान लो कि 1 सितंबर वो बुला रहे हैं, आप किसी कारण से नहीं जाते हैं, आपको क्या करना है, आपको कॉल करके कांटेक्ट करके उनको बता देना है। आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, वो बता देना कि जैसे मान लो किसी लड़के का या लड़की का कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, फाइनलिस्ट में है, वो चाहता है कि जिस डेट को बुलाया जा रहा है वो सूटेबल नहीं है, तो आप बात करके वहाँ उनका जो HR का नंबर होता है, ठीक है, मैं उन पर कॉल किया था, जैसे कि आपको ऑफर लेटर देंगे तो उनमें नंबर आता है, उस नंबर पर कॉल कीजिएगा और बात कीजिएगा कि मैम अपना नंबर ये है, मेरा एम्प्लॉयमेंट नंबर सॉरी जो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो भी है वो नंबर है, उनको बताइएगा नाम क्या है, मैं इस दिन वजह से नहीं आ पाऊँगा, तो आप 15-20 दिन के आगे एक्सपेंड करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न रहता है, शायद आगे भी हो, पहले रहते थे ऐसे करते हैं, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, तो इसे डरना नहीं। अगर कोई लड़का छोड़ के जाता है, पहला तो एक केस होगा कि ज्वाइन नहीं किया तब बुलाया जाएगा, और कभी कभी होता नहीं कि वो ज्वाइन कर लिया तब ये ज्वाइन किया उसके बाद वो छोड़ दिए, तो वो क्या है उसी कैटेगरी के उसी नंबर के लोग को बुलाया जाता है, तो आपको इस तरह से होगा। आई होप जो वेट लिस्ट है का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ये सिर्फ बार्क में नहीं, इसरो में भी या बार के जितने सारे डिपार्टमेंट है उसमें अप्लाई होते हैं, सेम रूल होते हैं, ठीक है। हाँ, आपको ज्वाइनिंग के जब से मान लो किन्हीं का रिजल्ट हो चुका है, इसके बाद क्या प्रोसीजर क्या है, इनके बाद क्या प्रोसीजर यही है, बहुत सारे पेज के 15-20-30 पेज का ये लोग भेजते हैं, घर पे भेजेंगे डाक के द्वारा, काफ़ी अच्छा लगता है, तो ठीक है। तो उसमें एक सत्यापन फॉर्म रहता है, सत्यापन फॉर्म करना रहता है, हिंदी में बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं। उसमें एक खास बात रहता है, अपना पूरा हिस्ट्री सारे चीज़ पूछेगा और साथ में बोलेगा कि ये चीज़ गैजेट ऑफिसर से साइन करवा के ले आऊँ। तो गेस्ट ऑफिसर का जो क्राइटेरिया है गूगल पर देख लीजिएगा, या फिर मेरे पुराने जो वीडियो हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, वो आप वहाँ देख लीजिएगा, गेस्ट ऑफिसर के क्राइटेरिया क्या क्या है वो सब डिटेल बताया गया है, वहाँ से आप
बुला सकते हैं कि आप, सबसे बेहतर यही है कि आप अपने कॉलेज में जाइए या अपने स्कूल के जाइए, प्रिंसिपल से साइन करवाइए या फिर कोई नियरेस्ट जो डॉक्टर है स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनसे मिलिए या करवा लीजिए। या फिर और भी जो भी जानकार हैं जो लोग जॉब करते हैं, या फिर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है गेस्ट ऑफिसर कौन है, तो आप जो जॉब करते हैं उनसे पूछिएगा, क्योंकि वो एक बार केस पीओ रहते हैं। जैसे कि मेरे समय में क्या हुआ था ज्वाइन करने के, तो मैं डॉक्टर्स जो थे रिलेशन में उनको बात बताया था तो वो कर दिए थे। तो आपको जो लगता जहाँ लगता है आप बात कीजिए, हो जाएगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो सबसे बेहतर है कि अपने कॉलेज या अपने स्कूल जो 10th क्लास का उनमें जाइए, कॉलेज जाइए जहाँ से हैं पास आउट हैं, उनसे वो जनरली कर देते हैं। ओके, सबसे बेहतर तरीका ये है। तो आप यही समझ में आ गया कि फाइनल सिलेक्शनों के बाद क्या करना है, आपको मेडिकल के लिए रिपोर्ट करना होगा, कुछ बेसिक मेडिकल चीज़ होते हैं, बहुत घबराने वाली बात नहीं है जैसा कि दूसरे में होते हैं। ओके, इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं। तो वेटली समझ में आएगा कि कौन कौन कंडीशन में छूट को बुलाया जा सकता है, जितने नंबर के हैं उतने नंबर बुलाया जाएगा, और ये सारे चीज़ 6 महीने का अंतराल होता है, अगर जो होना रहेगा 6 महीने का अंतराल होता है। लिख तो देते हैं कभी कभी 1 साल के लिए, ये बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन 6 महीने मान सकते हैं। जो लोग जाएंगे तुरंत सब छोड़ के आना है, तो बहुत लोग का रहता है यार, पता नहीं किसी को डर रहता है न्यूक्लियर का या कुछ रहता है या कहीं और जॉब आता है, किसी को लोकेशन नज़दीक चाहिए, बहुत सारे इशू है। सबसे बड़ी बात ये जॉब 7th पे लेवल का स्केल है, डिप्लोमा लेवल पे सबसे हाईएस्ट पे करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया।